मेरी आवाज आ रही है जसलीन? कैन यू हियर माई वॉइस? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब समझे इस बात को। हमने चार लोगों से या अपने किसी बड़े से ग्रुप में हमने पोस्ट कर दी एक रिक्वेस्ट कि फला फला के लिए बंधन लगा दीजिए, और हम जुड़े हुए हैं नहीं श्री माताजी से, हम अपने घर के लिए या अपने लिए किसी से बंधन लगवा रहे हैं और हम कनेक्टेड हैं ही नहीं। आप 100 लोगों से भी प्रार्थना करवाएंगे, अटेंशन दिलवाएंगे, तो भी कुछ नहीं होगा। कारण, आप सहजी होकर भी माँ से नहीं जुड़े हैं तो श्री माता जी आपके लिए क्यों करेंगी? तो ये बेकार है। और इसके उलट, यदि आप श्री माता जी से जुड़े हैं तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, जो उन्हें करना होगा वो स्वयं करेंगी। यानी कि इसको ऐसे समझा जाए, यदि मेरी आवाज इंटरनेट के जरिए आप तक आ रही है तो मुझे ये कहने की क्या जरूरत है, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, आप तो सुन ही रहे हैं। और अगर मेरी कनेक्टिविटी आपके मोबाइल से है ही नहीं तो आप मेरी आवाज सुन कैसे सकते हो भला? संभव ही नहीं है ना। तो यही सिद्धांत मां आदिशक्ति पे निर्भर करता है, कनेक्टेड पर्सन की ही आवाज पहुंचती है वहां तक, जो डिसकनेक्टेड है उनकी आवाज पहुंच ही नहीं सकती। और श्री माता जी के चरणों में आने के बावजूद भी हम अगर कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे यंत्रों का श्री माता जी के लिए कोई उपयोग ही नहीं है। ये बात भी अपने अंदर अच्छे से उतार लीजिए। स्वयं को भ्रम में रखने से कोई लाभ नहीं है। फिर भले ही हम बहुत सालों से ध्यानस्थ हों, कोई फायदा नहीं। तो क्षमा चाहेंगे कि आपको ये सारी बातें शेयर करनी पड़ी, बतानी पड़ी। डराया नहीं है मैंने, वास्तविकता बताई है। तो क्षमा कीजिए अगर किसी का दिल मेरी बातों से टूटा हो या हतोत्साहित हो रहे हो, पर ये मुझे आवश्यक था बताना ताकि हमारी यात्रा किसी भ्रम में रह कर ना जारी रहे। अब मैं तो अपनी बात समाप्त करता हूं। बताइए, पता नहीं कहां से ये बातें आ रही हैं अंदर से आप सब तक पहुंचाने के लिए। जी बताइए, अब मैं शांत हो जाता हूं। कोई अन्य कुछ जय कह? माता जी अंकल। जय श्री माता जी। हाँ तनु, अब मैं कुछ नहीं, हो गया। हाँ बताइए तनु, कुछ कह रहे थे आप? मैं तो बता चुकी हूँ, अब शायद किसी और की बारी है। हाँ मेरा तो बहुत सारा हो गया। और कोई सहजी? अभी तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अंकल जय श्री माता जी। हाँ बताइए। वो रितु के आगे किस टाइम से बोल सकता है, हाँ हाँ रितु त्यागी जी के यहां से कोई कह रहा है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बोलो। मेरे ध्यान की यात्रा अद्भुत थी। आज ऐसा फील करा जो मैंने कभी नहीं करा। मैं जब ध्यान में था तो मैं इतना लीन हो चुका था कि मैं जो आज्ञा पे तीसरी आंख खुलने का आभास हो रहा था। अरे बाप रे! अच्छा, फिर
फिर फिर अचानक से वो बहुत देर तक चला, फिर अचानक से वो रुक गया। चलो अच्छी बात है, खुलने दो, आज तीसरी आंख की और बहुत फिर जरूरत उसके बाद कुंड जी और फिर उसके बाद कुंडलनी उठने लगी। है। चलो अच्छी बात है ये तो। तीसरी आंख का अच्छी बात है या फिर बुरी? नहीं, सब अच्छा है। श्री माता जी के चरणों में आने के बाद जो भी वो अनुभव देती हैं सब अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता। ऑल इज वेल। बेसिकली क्या है, जिसे तीसरी आंख में आपको महसूस हुआ ना, वो क्या है कि आज्ञा चक्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसके चार हिस्से हैं, बैक, फ्रंट, लेफ्ट और राइट। तो थॉट प्रोसेस के कारण कई बार ये एंटेंगल्ड हो जाता है, और सारा का सारी जो ऊर्जा है तीनों नाड़ियों की, हमारी हमसा के ऊपर 31 त्रिकुटी पर एकत्रित हो जाती है, और वो जो प्रेशर है वो एनर्जी जो है हमारे आज्ञा को खोलती भी है। तो ये वाला आपको अनुभव की हुआ है, और ये इसी एरिया में होती है, तो अच्छी बात है तीसरी आंख का खुलना। थर्ड आई कैन सी फ्यूचर। मतलब आप आभास कर सकते हैं, सर यू कैन सेंस, घटनाक्रम को सेंस किया जा सकता है थर्ड आई के कारण, इसलिए इसे तीसरी आंख बोला है। तो अच्छी बात समझ है, गया। और अगर ऐसी शक्तियां जागृत हो जाएं तो हमारे देश को तीसरी आंख की बहुत जरूरत है। आज जितने महादुष्ट लोग बैठे हैं उनके लिए तीसरी आंख की शक्ति की जरूरत है। इस वक्त बुरा हाल हो रखा है हमारे देश का, महादुष्टों ने पूरा कैप्चर कर लिया है हमारा कंट्री, और उसको बिल्कुल नष्ट किए जा रहे हैं लगातार। तो अच्छी बात है। और बताइए। मेरा बस यही दो आभास थे कि ने तीसरी आंख खुली और फिर कुंडलनी हुई। कुंडली उठी, हाँ, वो पूरा पैसेज को क्लियर करके ऊपर निकले ना, उस जगह से क्लियर करके ही जाएगी ना ऊपर, उसका काम ये भी तो है, करेक्शन। जैसे टीचर होती है ना, टीचर बच्चे की जो पढ़ाई है, बच्चे की जो कॉपी है, उसको करेक्शन भी करती है, चेक भी करती है, करेक्शन भी करती है। तो ये कुंडली का काम है, वो हमारी सिस्टम को भी करेक्ट करती है और एनर्जाइज भी करती है और गाइड भी करती है। और आप शामिल हैं, हर सेशन में मौजूद होते हैं आप। अटेंड करवाती हैं। अच्छा, मजा आता है। हाँ जी, अच्छा, वेरी क्लियर इन गया। वेरी गुड, तो बहुत खुशी की बात है। हमें भी श्री माता जी अपना यंत्र बना रही हैं राग का श्रृंगार करने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है इस बात की। और कोई अपना अनुभव सुनाए। अभी तो कई लोग दिखाई दे रहे हैं। जय श्री प्रियंका, माता जय जी। श्री माता जी। बहुत सुंदर ध्यान था आज। सो मॉर्निंग मेडिटेशन में भी ये चीज आया था कि अच्छा, हाँ ध्यान जब सोच रही थी कि वलय पे ध्यान चला गया था तो ये वलय क्या है। तो आज जैसे आत्मा और पार परमेश्वर का मिलन में अगर हम लोग विलीन हो जाते हैं क्या वही वलय है? तो पता नहीं, शायद आप हाँ, बता पाए पहले भी ये बताया वलय है, से। पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन तो किया है थर्ड वर्कशॉप में, दिल्ली वाले में। हाँ, वलय वही। का मतलब बस और उसके विलीनता ही बाद है, साधन, हाँ वही वही साध्य और साधक। साधक, साधक
साध्य और साधना तीनों एकाकार हो गए, ये भले है। और जो अभी आपने सब कहा ना, वो उतना सजगता हमेशा रहता है, सजग रहती हूँ कि कहीं एटलीस्ट ठहर ही रहो पर गिरू ना। ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लुढ़क चुके हैं इसी चक्कर में। वो जो टेम्पटेशन होती है ना, वो सब गड़बड़ कर देती है, वो फिर मामला खराब हो जाता है। अब इतने सारे सहजीवों का बस क्या बताऊं मैं, बस खुश हो गए, हाँ हमने ये कर लिया, वो हाँ कर लिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी बात से खुश हो जाते हैं, अंदर की तरफ नहीं चलते और ज्यादा, कि और ज्यादा पाए, और ज्यादा पाए, और ज्यादा पाए। हमें तो ये प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए कि हमने इतने लोगों को काम, इतने लोगों को कराया, ये खुशी नहीं होनी चाहिए। मतलब ठीक है, खुशी वैसे तो हो कि हमारा यंत्र इस्तेमाल हो रहा है, पर हम इस खुशी से संतुष्ट होकर ना बैठ जाए और बस यही चीज पाने के लिए ना लग जाए, तो ये चीज बहुत घातक है, घातक ही है ये बिल्कुल। इसके ऊपर भी ये एक आधा आर्टिकल लिखा जा चुका है, आने वाले समय में लिखूंगा मैं पूरा आधा आर्टिकल लिखा जा चुका है इन चीजों पे भी, कि क्या होता है आखिर में, कहाँ फंसते हैं हम, कहाँ से गिरते हैं हम नीचे। और जो महामाया का खेल। हाँ महामाया का खेल है ये। क्योंकि पहले ही बताया मैंने, महामाया जो है, श्री महामाया अपात्रों कुपात्रों को अप्रूव नहीं करती हैं, अपात्र और कुपात्र, क्योंकि उनका काम है श्री पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलने लायक हमें बनाना। तो धो पहुंच के हमें ले जाती है ना, धो पहुंच के, कि भाई गंदे गंदे पिताश्री के सामने नहीं ले जाएंगे माता, क्योंकि माता को पता है कि ऐसी झाड़ पड़ेगी, हो सकता है सजाई मिल जाए, फिर गंदे संदे दिखने की। तो माँ का क्या काम होती है, माँ जो है पिता के सामने बच्चे को नहला धुला के अच्छे से ले जाती है। अगर शाम को पिता से मिलना है और बच्चा बहुत गंदा है, वो फिर मिलाएगी नहीं उसको, कल मिलाएगी, अगले दिन पहले धो लेगी। वरना उसे पता है अगर वो इतने गुस्सा होंगे तो फिर ढेला भी नहीं जाएगा, फिर तो माता की भी खैर नहीं ना, माता को भी डांट पड़ जाती है फिर पिता से। तो एक और इसीलिए क्वेश्चन था भाई, हैं, एक क्वेश्चन और था, जैसे आत्मा और परमपिता के मिलन में तो प्रकाश का मिलन हो चाहिए ना, तो ऐसे लगा जैसे भाप या धुएं का मिलन, कैसे भी ये महसूस कर कैसे हो सकते हो, सकता है? कैसे भी महसूस कर सकते हो, फॉर्मलेस चीज है। आप फॉर्मलेस प्रकाश को भी महसूस कर सकते हो, एनर्जी को भी कर सकते हो, स्मोक के फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे आपके हाँ, अंदर की स्मोक सेटिंग है। के फॉर्म। क्या चीज, स्मोक स्मोक के रूप में महसूस हुआ हाँ कैसे भी कर ये सकते हो, चीजें, एनर्जी कैसे भी, कैसे भी तो वैसे ही रहेगी पूरे, बेसिक। और एक टाइम में एनर्जी पूरा गॉन था, ये क्या था, चली गई एनर्जी पूरी, बस देखो ना, इस और सामूहिक कुछ नहीं बचा। सामूहिकता में रहकर हम एक अभ्यास करते हैं, और अभ्यास में प्रवीण होने के बाद ये अवस्था हमारी सामूहिकता के अलावा भी बनी रहनी चाहिए, इसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं सामूहिकता में, है नहीं? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बनी रहनी चाहिए, अच्छा है, बिखरनी नहीं चाहिए। तो ये चार स्टेजेस थी, आज महसूस किया होगा, अस्तित्व का विलय, अस्तित्व का विलय हो गया हमारा चेतना में, चेतना का विलय हो गया आत्मा में, और आत्मा का विलय हुआ परमात्मा में। पर इस विलय के अंदर विलय ही नहीं हो जाना, काम भी करना है। हाँ, वो सबसे नेसेसरी। हाँ,
इसी के लिए हमारे को श्री माता जी ने जागृति दी है। सोने के लिए जागृति नहीं दी कि विलय होके खो गए, गायब हो गए। हाँ, माँ ने क्लाइंट कहा जंगल में दीप जला के क्या फायदा। वही तो फायदा क्या। तो सजगता इसलिए चाहिए कि हम अपनी स्टेट तो एक्नॉलेज करते रहें, लेकिन साथ में गतिमान भी रहे। अगर हम ऐसा हुआ अपने तो मस्त फिर में ही प्रार्थना करें। ऐसा हुआ तो इंसान संसार छोड़ के भाग जाएगा जंगल में, कि बस मैं तो भगवान के साथ जुड़ गया हूं, मुझे नहीं चाहिए अब ये सब चीज। कि भाई जब तक शरीर में हो तब तक तो कर्तव्य तो पूरे करो। फिर बंद हो गई, आज बैटरी खराब हो गई लगता मेरी, और ये जल्दी जल्दी चार पांच भी लगाइए, चार पड़ी हुई है खराब हो गई है, इसका मतलब ये। ठंड की चलो वजह से हाँ, पता नहीं ठंड की वजह से नहीं, शायद ओवर चार्जिंग हो जाती है कई बार। आपने स्टार्टिंग में ही करा दिया था कि श्री माता जी हमें अपना मतलब का यंत्र बना दो। ये बहुत बस सुंदर लाइन है, मतलब का बहुत सुंदर। यंत्र मत बनाओ, खाली अपने मतलब का बनाओ। यंत्र फिर किसी और तंत्र के चक्कर में फंस जाते हैं, माँ के मतलब के होंगे तो फिर फंसेंगे नहीं। माँ के मतलब का यंत्र जो होता है, ना किसी तंत्र में फंसता है, ना किसी मंत्र में फंसता है, ना किसी कर्म कांड में फंसता है, ना किसी मान में फंसता है, ना अपमान में फंसता है, ना लाभ में फंसता है, ना हानि में फंसता है। अपना आंकलन करके देखेंगे सभी कि भाई हम फंस रहे हैं अगर, तो अभी माँ के यंत्र बन नहीं पाए हैं, प्रयास जारी रखें। ये पता है कैसा लगता है मेडिटेशन, मतलब ध्यान में उन्नत होना पता है कैसा है, बिल्कुल इसका ऐसे कोरिलेट कर सकता हूं जैसे वो विक्रम बेताल था ना, बेताल उसके कंधे पे बैठा रहता है 24 घंटे। पहले उसे कहानी सुनाता, फिर उसे फंसाता, फिर कहता राजन या तो बता दे वरना तेरे सर के टुकड़े कर दूंगा, और तूने उत्तर नहीं दिया फिर चला जाऊंगा मैं चला। तो भाई ये यात्रा हमारी ऐसे ही है कि ये खत्म नहीं होगी, और अपने आप को परफेक्ट मानने की भ्रम अपने अंदर बिल्कुल भी ना पाले कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हम विक्रम हैं और ये ध्यान जो है बेताल की तरह है। ये हमारे को हमारे कंधे पे लगातार बना रहेगा और हमें आगे बढ़ाता रहेगा। कोई संतुष्ट होके बैठ गया कि बस मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं श्री माता जी का, तो गया बेताल फिर वापस, फिर कहेगा राजन मैं तो चला। फिर पकड़ के लाओ, ABCD शुरू करो दोबारा। सजीव का उदाहरण दिया है, बहुत है नहीं बिल्कुल सही। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बड़ा क्लियर है। तो उत्थान जो है हमारा बेताल की तरह है, यानी कि ये लगातार यात्रा जारी रहेगी, यहां समाप्त नहीं होना है इसमें कुछ भी। तो बहुत से सहजी जो है ना, अपने जो भी शिमाताई के कार्य कर रहे हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं और अपने को टैग लगा देते हैं कि हाँ हम तो ये करते हैं, बस गया बेताल फिर वापस अपनी जगह, फिर उसे पकड़ के लाना पड़ेगा। तो अगर उतारा तो सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, और गलत आंसर दिया तो वापस चला जाएगा। यानी कि इस जीवन काल में जो ध्यान का जो उत्थान है उसे अपने कंधे पे लाद के चलते चले जाओ बस लगातार। ये मत सोचो कि हम इसे उतार देंगे परफेक्ट हो जाएंगे, अनवरत यात्रा, बस धीरे धीरे ओरिजिनलिटी के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ उन्नत होते चलें, और जितने उन्नत हो वो शेयर करें,
तब जाके बात बनेगी। अब फेसबुक पे भी बहस करने वाले अब आते नहीं है, आर्गुमेंट करने वाले अब नहीं आ रहे। आर्गुमेंट किस पे करेंगे? मेंटल नो हाउ, पूरा मानसिक जो सूचनाएं हैं भर लिया दिमाग में, बस उसी पे बहस करे जा रहे हैं। अनुभव है नहीं, अनुभव विहीन ज्ञान जो है आपको आर्गुमेंट की तरफ ले जाता है। और अनुभव वाला जो ज्ञान है वो आपको ऊपर उठाता है और शांत करता है, भीतर भीतर आप शांत होते चले जाते हो। और बताओ प्रियंका, टेल। हो गया भैया, हो गया। हाँ, नया साल परिवर्तन लेके आएगा ना देश के लिए। पूरी उम्मीद है। परिवर्तन तो अवश्य भावी है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता है। जब 2020 का प्रारंभ हो रहा था, किसी को पता था कि ये साल ऐसा जाएगा? इतना बड़ा परिवर्तन आएगा पूरे विश्व के लिए कोई जानता था? नहीं जानता था, ऐसे ही आगे का भी नहीं पता। बस इतना ध्यान कर लेना, वो 20 था, ये 21 है। कमर कस के रखनी है, क्योंकि ये 21 है, वो 20 था। एनीबडी एल्स? और कोई सहजी अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं? आज तो 85% तो मैं ही बोला हूं। समाप्त करें। अन्य कोई यदि कुछ कहना सुनना चाहें तो फिर बता दीजिए, वरना फिर समाप्त करते हैं। भैया एक छोटा सा क्वेश्चन था, हाँ, मतलब जैसे कि एक अनुभूति होती है ना कि कई बार कुछ चीजों को करने के लिए हमारी आत्मा रोकती है, मतलब अगर हम गलत जा रहे हो तो ये चीजें जैसे कि जागृत होने के पहले भी मैंने फील की हुई है, देखिए जागृत होने के बाद भी वो चीज आती है, तो उसके पहले और बाद में कितना डिफरेंस है, मतलब अभी हम थोड़ा जज कर लेते हैं एनर्जी के माध्यम से, लेकिन तब हम नहीं जज कर पाते थे कि रियल में वो आत्मा है कि वो हमारा सिक्स सेंस है कि वो हमारा विवेक बोला, तो मतलब ऐसा होता है क्या कि मतलब आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हो लेकिन आपकी आत्मा जागृत भी नहीं हुई है, लेकिन वो कुछ कुछ चीजों को रोक, मतलब कुछ गलत हो रहा हो तो आपको एक आवाज देती है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। भगवान ने अच्छा आत्मा को ये फैसिलिटी दी है कि बिना जागृत हुए भी ये हमें बता सकती है, और ये बोलती है वॉइस। ओके इसकी वॉइस तब भी होती है, जागृति के बाद क्या होता है कि इसकी वॉइस लाउड हो जाती है, और जागृति से पहले बहुत हल्की, बहुत धीमी होती है। जागृति से पहले तो ऐसी होती है जैसे फुसफुसाहट, विस्पर। पहले विस्परिंग सोल, विस्परिंग स्पिरिट होती है, और अब स्पीकिंग होती है। और स्पीकिंग होने में भी अंतर है, स्पीकिंग होगी हल्की होगी, फिर थोड़ा सा तेज होगी, फिर और लाउड होगी, फिर बहुत ही तेज होगी। तो ग्रेड बदलते जाते हैं, जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वॉइस लाउड से लाउडर होती जाएगी। ओके
अगर आत्मा को ये फैसिलिटी ना दी होती तो इंसान जो है रोज गड्ढे में गिरता, गड्ढे में से गिरने से आत्मा ही तो बचाती थी पहले भी। और हंसी तब बहुत ज्यादा आती है कि जागृत होने के बाद भी गड्ढे में गिरने को तैयार होते हैं हमारे बहुत से सहजी। तो हंसी का ही तो विषय है फिर ये। और जब जब सहजी ऐसा करते हैं ना तो आत्मा फिर एक साइड हो जाती है, भैया अब तुम ही जानो, मैं अब कुछ नहीं कहने की। आत्मा जागृति तक हमें गाइड करती है, रोकती है, और जागृति होने के बाद अपनी वॉइस को तेज करती रहती है। अगर उसकी तेज आवाज होने के बावजूद भी हम सुनना नहीं चाहते, फिर आत्मा म्यूट हो जाती है, आत्मा म्यूट पे आ जाती है, फिर नहीं बोलती, फिर वो साक्षी होती है कि भैया गड्ढे में गिर, कुछ भी कर, मैं कुछ नहीं कहती अब। जैसे घर के बड़े होते हैं ना, जब छोटे लोग गड़बड़ सड़बड़ करने लगते हैं तो प्यार से रोकेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अब जो बिल्कुल नहीं मानेगा होगा ना, तो फिर वो म्यूट हो जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कहते, अब चुप बैठे हुए देखते रहेंगे, कुछ भी कर अब तू। तो आत्मा का भी फिर यही रोल हो जाता है, वो म्यूट हो जाती है। और वो म्यूट कब होती है? जब किसी साधक साधिका में अहंकार आ जाए तो आत्मा म्यूट हो जाएगी अपने आप, फिर नहीं बताती है। फिर तो वो साक्षी में बस बैठी है कि ठीक है, क्योंकि जागृति से पहले ईश्वर ने आत्मा को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है मनुष्य की चेतना को गाइड करने की। आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद मनुष्य की चेतना स्वतः ही माँ आदि शक्ति के संपर्क में आती है। माँ आदि शक्ति के संपर्क में आ गई जब ये चेतना हमारी, तो भी हमारी आत्मा सहायता कर रही है, सहायता करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। और जब उसके अंदर नकारात्मक चीजें पैदा होनी शुरू हो गई, मतलब जागृति होने के बाद भी आदि शक्ति से जुड़ भी गया है वो, और फिर भी वो उल्टे रास्ते पे चल रहा है, तो आत्मा उसे माँ आदि शक्ति के हवाले करके पीछे हट जाती है कि भाई मेरा काम अब खत्म हो गया, माँ जाने और तू जान, अब तू, मेरा काम हट गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे गड्ढे में गिरते हैं जाके सहजी, जहां आत्मा उनकी सहायता नहीं कर पाती, क्योंकि अहंकारी होकर वो आत्मा की सुनते ही कहां है। अब जो इंसान आत्मा की नहीं सुनता वो किसी और की क्या सुनेगा, है ना? मतलब ये देखो कितनी खतरनाक बात है कि जिस आदमी ने आत्मा की सुननी बंद कर दी तो उसका तो कांड होना निश्चित है, क्योंकि आत्मा बोलना ही तब बंद करती है जब वो देख लेती है गॉन केस है ये, खत्म। तो ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है ये मैटर कि आत्मा की आवाज को हम सुन पा रहे हैं या नहीं, और सुन पा रहे हैं तो क्या उसकी गाइडलाइन में चल पा रहे हैं कि नहीं। अगर उसकी गाइडलाइन में चल पा रहे हैं तो हमारी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, ये हमारे अंदर सजगता है कि नहीं। और ये सजगता अगर है तो जो हमने जागृति में पाया है क्या वो संचित है हमारी अवेयरनेस में कि नहीं। अगर ये अवेयरनेस में संचित है तो क्या हम उस संचित ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर शेयर कर पा रहे हैं तो उस ज्ञान का प्रभाव दूसरों में आ रहा है कि नहीं, ये देख पा रहे हैं क्या हम। और जब ये हम देख पा रहे हैं कि ज्ञान से, आपके जो शेयर किए गए ज्ञान से दूसरों में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या इस परिवर्तन को आप श्री माताजी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं कि नहीं। कितनी लंबी यात्रा है तब जाके पूर्ण होगा।
जब हम उस अपने ज्ञान के ऊपर चलने पर लोग परिवर्तित होते देखेंगे, और इस परिवर्तन का जो श्रेय है यदि हम सच्चे दिल से श्री माता जी को दे रहे हैं, तब जाकर हम कामयाब होंगे, तब हम समर्पित माने जाएंगे, तब हम कह सकते हैं हम श्री माता जी का यंत्र हैं। यदि हम उसके परिवर्तन के परिणाम को समर्पित नहीं कर रहे हैं श्री माता जी को, और उसका श्रेय हम श्री माता जी को ना देकर अपने को दे रहे हैं, तो गई भैंस पानी में। भैया आपकी बात सुनते सुनते एक शिवरिंग टाइप की हो रही थी मुझे, मतलब जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हृदय लेफ्ट हृदय से उठ के ऐसे लंबी जा रही है, लेकिन मुझे थोड़ी शिवरिंग हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे दांत भी टकरा रहे हैं, अभी भी माइनूटली हो रहा है। ये क्या मतलब ये क्या है? अच्छा, अब मैं आप ही से ये पूछूंगा, जब ये आपको शिवरिंग हो रही है, दांत भी टकरा रहे हैं, तो आपकी मन स्थिति में कैसी है? नकारात्मक है कि सकारात्मक है? मन स्थिति सकारात्मक है, हाँ, ओके। लेकिन कई बार हमने नहीं सुनी वो वाली, कि कभी एक आध बार हुआ कि हमने नहीं सुनी, या कई बार होने के बाद आत्मा से आवाज आई कि यार गलत कर दिया, वैसा भी। बट ऐसे ऐसे हम अभी पॉजिटिव है, हाँ लेकिन देखो, पता नहीं मतलब। अब ये क्या है कि आपको सुन के थोड़ा सा डर सा लग गया है, कह रहे ऐसा तो नहीं कहीं गड़बड़ गड़बड़ हो गई हो, लेकिन मन स्थिति सकारात्मक है, यानी कि ये पॉजिटिव्स है, कोई नुकसानदायक नहीं है। ये जो शिवरिंग आ रही है, ये आपके डर के कारण नहीं आ रही है, आप सत्य को ग्रहण अच्छा कर पा रहे हो, यू आर एबल टू एब्जॉर्ब द ट्रूथ, दैट्स वाई आपका सिस्टम जो है रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग चिल। जैसे कई बार आपको अचानक बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है, तो आप अंदर से कांपते हो ना, जैसे खुशी संभाली नहीं जा रही हो, थरथराने लगता है ना दिल, अचानक बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है जब, तो ये जो ट्रुथ है आपका यंत्र एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप ये कपकपाहट है, ये फियर के कारण नहीं है। तुमको मानसिक स्तर पे तो लग रहा है कि कहीं हमें डर के कारण तो नहीं हो रहा, लेकिन ये डर के कारण नहीं, ये ट्रुथ है, ट्रुथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपका सिस्टम। अब ये जो इतनी लंबी सी कहानी शुरू करी बताई कि भाई वो जो बोलती है, तो यहां पे एंड होता है हमारा जाके समर्पण, तो हम सारे घटनाक्रम को क्या अपने से हटाकर श्री माता जी के चरणों में अर्पित करते हैं, क्या अपने ज्ञान के प्राप्त करने का श्रेय श्री माता जी को देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अगर जो लोग, जो भी सहजी, जो भी कुछ सहज से संबंधित कार्य कर रहे हैं और सच्चे दिल से वो सारा श्रेय श्री माता जी को देते हैं, तो समझ लेना वही श्री माता जी के यंत्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। और जिनके मन में कहीं ना कहीं ये है, अरे मैं कर रहा हूं, देखा मैंने इतनी अच्छी बात बताई, कितने लोग मोहित हो गए, या कितने लोग उतर गए, पार हो गए, परिवर्तित हो गए, तो ये बस बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत ही डेंजरस स्थिति है ये। देखते हैं ना, 33,000 की लाइन जो होती है ना, 33,000 वोल्ट के करंट की लाइन, आपको उसका शॉक लगने वाला है आने वाले टाइम में, यदि आपके मन में ये चीजें पनप रही हैं, क्योंकि सारा तो काम उन्हीं का है, परमेश्वरी का, और क्रेडिट हमने अपने को दे दिया, आ तू तो बहुत उन्नत हो गया भाई, बड़ा ज्ञानी व्ञानी हो गया है, लाखों लोगों को से रिलेशन दे दिया भाई तूने, तो सैकड़ों प्रोग्राम कर दिए, ऐसे वाले जो अगर अंदर आ गया, तो कहानी खतरनाक है, डेंजरस। लेकिन अगर अंदर से आ रहा है, माँ ये भी आपके चरणों में, वो भी आपके चरणों में, सच्चे दिल से, बाहरी रूप से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मैंने देखा है बड़ी स्टाइल में, बड़े सहजी माइक पे ऐसा ऐसा बोल देंगे, माँ आपको सबको समर्पित कर दिया,
जरा माइक से हटने के बाद उनकी एक्टिविटीज देखोगे तो पता लगेगा जो अर्पित किया था उसमें से दोबारा उठा के ले आए सब वापस। दिखाने के लिए अर्पित किया और बैक डोर से वापस ले लिया। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं तो ये डेंजरस स्थिति आ जाती है। तो आत्मा तो जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमें बताती आ रही है। जो सज्जन होते हैं, जो सच्चे और सज्जन होते हैं, वो भीतर से जो आत्मा बताती है करते रहते हैं उसके अनुसार, वो अपनी नहीं चलाते। और फिर एक दिन वो आत्मा श्री माता के चरणों में ले आती है उन्हें। तो आत्मा पता कैसी हो जाती है, श्री माता जी से जोड़ने के बाद, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद में जब आप सहस्त्रार पे मां आदि शक्ति को महसूस करते हो ना, तो आत्मा का रोल पता है कैसे होता है, जैसे क्लास में जो टीचर होती है ना, किसी एक बड़े अच्छे स्टूडियस या इंटेलिजेंट बच्चे को खड़ा कर देती है कि भाई ठीक है अगर मैं थोड़ा देर से आऊं तो ये बच्चा देख लेगा पीछे से। तो आत्मा तो वो है कि जब माँ के साथ कनेक्टिविटी, माँ जरा अपने कार्यों में लगी है तो आत्मा उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, और जैसे ही टीचर आती है तो बच्चा हट जाता है, बच्चा अपनी बेंच पे बैठ जाता है। तो आत्मा वैसी हो जाती है, आदि शक्ति से संपर्क होने के बाद में आत्मा थोड़ा साइड में बैठ जाती है ना, कितना मजेदार बात सही है। भाई टीचर के सामने उस बच्चे का कोई रोल नहीं रहा ना, जब टीचर नहीं है तो बच्चे का रोल शुरू हो गया, अच्छे बच्चे का, जैसे कहते हैं ना क्लास का मॉनिटर है, वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में काम करता है एक कड़ी के रूप में, ब्रिज अप करने के लिए। जब टीचर होती है तो मॉनिटर का कोई काम नहीं होता, फिर वो भी आम स्टूडेंट की तरह बैठा होता है, लेकिन टीचर की एब्सेंस में मॉनिटर ही क्लास संभालता है। तो आत्मा हमारा मॉनिटर है एक्चुअली। मैं समझता हूं प्राची अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा आत्मा की हाँ कार्यविधि, भैया, समझ में। है ना? हाँ समझ में आ गई। या फिर आत्मा हमसे तब बात करेगी जब हम आत्मा की तरफ चलेंगे, अपनी चेतना में हम आत्मा को महसूस करते हैं तो फिर आत्मा हमसे संपर्क स्थापित करती है, क्योंकि आत्मा माँ आदि शक्ति की रिस्पेक्ट करती है ना, कि भाई माँ आदि शक्ति एक टीचर है और टीचर आत्मा के लिए भी है वो और हमारे लिए भी है। तो माँ आदि शक्ति के संपर्क में जब हमारी चेतना आती है तो अपना आत्मा एक साइड होती है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो फिर आत्मा फिर एक्टिव हो जाती है, फिर हम बात करने लगते हैं। तो इसलिए आत्मा से बढ़िया कोई मित्र नहीं हो सकता, द ग्रेटेस्ट फ्रेंड इज अवर ओन स्पिरिट। कंपेनियन भी होता है, कंपेनियन वाला भी रोल अदा करती है क्योंकि सदियों से हमारे साथ है, जन्म जन्म से हमारे साथ है हमारी आत्मा। बहुत से जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं उनके, तो उनके अंदर आता है भैया 7 जन्म के फेरे लिए हम, 7 जन्म तक तो साथ रहेंगे, ऐसा आता है ना। लेकिन हमारी आत्मा तो सैकड़ों जन्मों की साथी है हमारी। मैंने कभी सुना नहीं किसी से कि 7 जन्म के बाद 8वें जन्म की बात भी करी हो किसी ने। अगर बात करते तो कहते 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, ठीक है कोई ये भी कह ले 8, 8वें और 9वें और 10वें 11वें में भी हम साथ होंगे, कोई नहीं कहता। कारण स्पष्ट है, जिसने भी ये जुमला बनाया है मतलब ये सेइंग बनाई है 7 जन्म तक साथ, कारण स्पष्ट है कि सात सातवें चक्र के बाद तो मां आदि शक्ति का साम्राज्य आता है, तो फिर आपको साथी की क्या जरूरत है, आप तो आदि शक्ति के साथ एकाकार हो गए, अब साथी की आवश्यकता रही कहां।
सात जन्म का मतलब सात चक्र। आज समझ में आया रहस्य, सात फेरों का और सात जन्मों का। हाँ रहस्य खुल गया सात जन्म का मतलब है सात चक्रों के स्तर पर साथ रहना, और सात चक्रों के बाद फिर साथ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है भौतिक स्तर पे। फिर तो सूक्ष्म रूप में तो सब एक साथ है, फिर तो वहां कई लोग एक साथ होते हैं, फिर वो कोई दो जने साथ नहीं होते हैं साथ के बाद में। उसके बाद तो आपको हजारों लाखों की संख्या में मिलेंगे साथी। बस यहां तक सात फेरों का बंधन है। उसके बाद मुक्त। तो आप सब लोग जागरूक होकर समझ लीजिए कि जो आपके जीवन साथी हैं बस आपके शस्त्रार्थ तक के साथी थे। अगर आप शस्त्रार्थ से परे रहने लगे हैं तो आपकी साथी जो है ठीक है तो है, ठीक है वरना कोई वो नहीं है ऐसी परेशानी वाली बात। या कम शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई मानव सातवें चक्र से परे अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है या ईश्वरीय ईश्वर के साथ है तो उसे किसी भी साथ की आवश्यकता नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट सोल है जो केवल और केवल मां आदि शक्ति के सानिध्य में संचालित है। तो इसलिए सात चक्रों का, सात चक्कर और सात चक्र, सात फेरे और सात चक्र, बस यहीं तक का साथ है, इससे आगे साथ नहीं होता। इसीलिए कभी ये कहा नहीं गया कि हम 8 जन्मों तक साथ रहेंगे या 9वें जन्म तक साथ रहेंगे। टेक्निकल पॉइंट है ये भी। फिर तो सोल एक मुक्त अवस्था में रहती है ना, वो खाली फिर किसी एक के साथ नहीं होती है, तो अनेकों सोल होती है उसके साथ में। मुक्त अवस्था, यही तो मुक्त अवस्था है। अब कुंडली जो थी त्रिकोणाकार अस्थि से उठी और मां आदि शक्ति के साथ एकाकार हो गई, बस फिनिश। उससे पहले कुंडली का जो साथ था आत्मा के साथ था, आत्मा उसकी पहले वाले चक्र की स्थिति में भी साथ थी, फिर दूसरे चक्र की स्थिति में भी साथ थी, फिर तीसरे चक्र की स्थिति में भी साथ थी, चौथे चक्र में तो उनका मिलन हुआ, फिर उसके बाद वो पांचवे पे भी आई, छठे पे आई, सातवें पे आ गई, और सातवें के पार तो सब खत्म, एकाकार हो गए ना, खत्म हो गए। कुंडली आत्मा में चली गई और आत्मा कुंडली का हिस्सा बन गई, कुंडली और आत्मा एक हो गए और एक होकर मां से जुड़ गए, और मानव के अस्तित्व को मोक्ष मिल गया। तो जो विवाह नाम की संस्था है, विवाह या विवाह का जो औचित्य है वो सात चक्रों के स्तर तक जाने तक के लिए है बस, उसके बाद की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो बहुत बुजुर्ग या ज्ञानी रहे लोग वो इस रहस्य को जानते थे, इसलिए सात फेरे दिलवाते हैं शादी में। क्योंकि श्री माता जी ने बताया है सनातन धर्म की स्थापना श्री आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जो राम के पुत्र श्री लव के अवतार थे, लव के अवतार थे आदि शंकराचार्य जी, तो उन्होंने ये व्यवस्था की थी। और मुझे याद नहीं आ रहा है कि श्री राम के काल की शादी जब हुई थी उन्होंने सात फेरे लिए थे, मुझे पता नहीं, कहीं जिक्र नहीं है, किसी कहानी में देखा भी नहीं कि श्री राम सीता ने सात चक्र फेरे लिए थे, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें फेरों की आवश्यकता ही नहीं थी ना, वो तो बहुत ऊंचे दर्जे के दो, तो वो तो अवतार ही थे दोनों, वो तो पहले ही दिन से ही बंधन मुक्त थे। कहां से कहां लिंक हो जाता है,
अब बहुत से सहजी सोचेंगे ये बातें सुन के कि मैं कितनी बड़ी बड़ी गप्पे मारता हूं, है ना प्रियंका? हमें पता है कब कितने काम का है, कितनों को पता है। जस्टिफाइड है ना, श्री राम के सात फेरे का विवाह का तो जिक्र है, पर श्री राम ने सात फेरे लिए इसका मेरे को कहीं देखा नहीं। मैंने देखा है किसी ने? कोई पिक्चर देखी हो, शादी कोई सीरियल देखा हो? हुई है बस यार, बस विवाह ही देखा हुआ है ना, विवाह में बस वरमाला की तक तो दिखाई है उन्होंने, फेरे नहीं दिखाए शायद चारों उनके, भाई। है ना? शादियां तो उनके पहले भी तो हुई है ना, राजा जनक की भी तो हुई होगी, दशरथ जी की भी तो हुई होगी, अब वो सब तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं देखो वो तो है। कभी बात ही नहीं आई, लेकिन श्री राम के विवाह की बात आई, श्री कृष्ण जी के विवाह की बात आई, पर उनके किसी के फेरे नहीं बताए गए कि फेरे लिए इन्होंने, क्योंकि जो मुक्त चेतनाएं हैं उनको ये बंधनों की आवश्यकता क्या? वो तो साक्षात अवतार थे, उन्हें बंधनों में कहाँ फंसना, वो तो कल्याण करने के लिए आए थे संसार का। शायद मेरे को तो अचानक से याद आ गई प्राची की बात पे, भाई सात फेरे तो उन्होंने कहीं किसी सीरियल में देखे नहीं हमने श्री राम सीता को फेरे लेते हुए। और आज मैं सभी समझता हूं साथ हुए कि बहुत से ऐसे लोगों को भी उत्तर मिल गया होगा कि भाई जो एकाकी जीवन जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, तो उसको भी उत्तर मिला होगा आज कि भाई सातवें चक्र की स्थिति के बाद झंझट ही क्या है फिर? अगर आप इतने उन्नत हो चुके हो कि सातवें चक्र के बाद की स्थिति में रहते हो, तो आपको फिर बाहरी बंधनों की आवश्यकता रह भी कहाँ गई? ये सात फेरों का रहस्य आज ही खुला है, रहस्य आज अब खुला सात है। जन्मों का। सात जन्मों और सात फेरों का रहस्य बहुत सुंदर था भैया। क्योंकि गॉड ने व्यवस्था की कि हर जन्म में एक चक्र जागृत हो जाएगा, तो इसलिए सात जन्म तक मैनेज कर सकते हो, या हम इसे कहें कि सात चक्रों तक पहुंचना जो होता है एक ही जन्म में अगर, तो वो सात जन्म जीने के बराबर है, उसके बाद मुक्त। गोलू को बता देना ये बात। आज आपने गोलू को यूनिवर्सल कर दिया जूम पे। ये सेशन दिखाना पड़ेगा उसको। बहुत भला इंसान है भाई, बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। मैं तो मजाक कर रहा था वैसे भी, और विशाल भी खुश हो जाएगा ये सुन के। विशाल को शुरू शुरू में बड़ा झंझट लगता था जब उसकी शादी हुई थी, अब वो प्रिया को भी सुनवा देगा स्पेशली कि भाई ये सुन ले। अरे ये खानी होती है, अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे एनलाइटेंड हो तो फिर असलियत ये है एक्चुअली, क्योंकि विवाह बहुत ही ऊंचे दर्जे का घटनाक्रम है जो दो सोल को जोड़ता है, और दो सोल एक दूसरे को इस स्तर तक आने में मदद करती हैं, इस स्तर तक आने में मदद करती हैं, रिडेम्पशन के लेवल तक। तो जो विवाह है उसका बस एकमात्र यही पर्पज है, और कोई पर्पज नहीं है विवाह का, कि एक दूसरे को इस लेवल तक पहुंचाओ कि शस्त्रार पार करा दो। इसीलिए सात जन्मों का बंधन बताया गया है। बहुत सो का तो ये आखिरी है। तो खेल देखो कहां से कहां चलता है जीवन में, समझना होगा इस चीज को भी, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है समझना ये। नहीं, ये बहुत सुंदर क्लियर करवाया है माता जी ने, मुझे अब
बहुत से लोग शस्त्रार पार कर हो चुके पहले ही, ऐसा है। बहुत से ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और वो अच्छी अवस्था में हैं, तो उनके लिए आवश्यकता भी समाप्त हो गई है विवाह की। करें करें, ना करें ना करें, आवश्यकता नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि विवाह जिसके लिए होता था वो तो कार्य हो चुका। तो इस बात को जो YouTube पे आने वाले समय में बहुत से सहजी देखेंगे, जो अभी तक अविवाहित हैं, इनकी शादी नहीं हुई, या जो अच्छी अवस्था में उन्नत हैं और एकाकी रहते हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि आवश्यकता है भी नहीं इस स्थिति में आने के बाद। वो बात अलग है कि आप अपने मन बहलाने के लिए किसी साथी को अपने साथ जीवन में जोड़ सकते हो, कि चलो एक से दो भले। जैसे किसी यात्रा पे चल रहे होते हैं ना, मान लो वैष्णो देवी की यात्रा पे गए या किसी यात्रा पे, या अमरनाथ जी की, तो पता लगता है आपकी स्पीड पे के साथ चलने वाला कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है वो साथ ही चलता है, एंड तक साथ चलता है। जिनके साथ आए थे वो तो पीछे रह गए या बहुत आगे चले गए, पर वो अनजान इंसान के साथ आप चल रहे होते हो। तो ये एक रहस्य की बात ये है कि इसमें भी अगर ठीक है यात्रा में कोई साथी मिल जाए, दैट्स ओके, पर पर्पस तो सॉल्व हो चुका। अगर कोई शस्त्रार से ऊपर का आनंद ले रहा है, उसका पर्पस सॉल्व हो चुका। अप्रत्यक्ष रूप से उसे विवाह की आवश्यकता नहीं है। और टेक्निकली आवश्यकता नहीं है स्पिरिचुअल लेवल पे। और वैसे कोई दिल बहलाने के लिए अपने जीवन साथी को चुन ले तो बात अलग है कि भी चलो दो भले बात बतियाते हुए चले जाएंगे यात्रा पे, बात करते हुए दिल लग जाएगा। पर उच्च अवस्था में जब पहुंचते हो, उच्च अवस्था में जब पहुंचते हो तो बातों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। जैसे कि महावीर जी और बुद्ध समकालीन है, तो दोनों पीठ से पीठ लगाकर बैठे रहे, बात नहीं करी उन्होंने पूरे जीवन। है प्रियंका, बोध गया और राजगीर की पीठ लगी हुई है आपस में, और दोनों पीठ लगा के ही बैठे थे, पर बात नहीं करी उन्होंने कभी। एक ही काल के थे, क्योंकि इतनी उच्च अवस्था के थे कि बाहरी कम्युनिकेशन की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, वो इतनी अच्छी अवस्था में थे। तो ऐसे साधक साधिकाओं को भी आवश्यकता नहीं है, कम्युनिकेशन बिना उसके भी होता रहता है। मतलब साथ जो है, यहां मेरा कंसर्न जो है साथ से है, कि वो जो साथ है ना, वो मतलब प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में साथ ना होते हुए भी साथ रहता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको बाहरी रूप से साथ में रखने की जरूरत नहीं किसी को, एक दूसरे को, वो भीतर से वैसे ही साथ है, एनर्जी लेवल पे या चेतना के स्तर पे साथ है। सरल शब्दों में तो विवाह जो है सातवें चक्र की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही है। श्रीमाता ने भी इसलिए कहा है, भाई जो विवाह करना चाहे कर लें, ना करना चाहे तो कोई समस्या नहीं है। कंपल्शन कोई नहीं है। हाँ, जो इनसे निम्न अवस्था के लोग हैं, अगर वो विवाह करें और इस उद्देश्य को ध्यान में रख के विवाह करें कि विवाह का उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करेंगे, तो उनका विवाह कामयाब होगा, वरना फिर वो सांसारिक विवाह का कोई मायने तो रहता नहीं। अब बहुत से तो सहज में इसलिए विवाह करते हैं, भाई पैसे कम खर्च होंगे, वो बहुत जरा फैटल है। दैट इज, ये सोच फैटल है। सहज का विवाह तो था कि दोनों चेतनाएं आपस में एक दूसरे को उन्नत करने में मदद करें और सीमा के प्रेम को सारे में प्रसारित करें, ये था मकसद असली। और जो उच्च अवस्था के साधक साधिका हैं, उनको वैसे भी आवश्यकता नहीं है विवाह की। फैक्ट यही है। रमनी बहन, जय श्री माता जी। चेष्मा मुझे लगा तो आप तो शायद हो ही नहीं आज।
कन्वर्सेशन चल रही है कि इंटरप्ट करने को मन ही नहीं कर रहा, सब कुछ सुन रही हूँ। आज कुछ और बातें भी निकल आई, पता भी नहीं था ऐसी निकलती हैं बातें अंदर से। हाँ जी भैया, ये भी जरूरी आप होती विवाह है। को लेकर देखो कितनी, विवाह को लेकर कैसी मजेदार बात निकली है। और ऐसा महसूस भी करते हैं, जो कुछ आप बता रहे हो ना वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा हम महसूस करते अब बहन गप मारने का प्रयास तो नहीं करता कि गप मार दूं। वो तो भैया सब जानते हो। आप गप नहीं मार सकते कभी। क्योंकि बात में बात आती है ना अंदर से, मतलब जैसे कि इसीलिए जो सामूहिकता होती है ना, जैसे ये सामूहिकता है, और इसमें अगर साधक साधिका अच्छे स्तर के हैं ना, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रिवील होती हैं। इसीलिए मैं जूम सेशन में एकदम से सबको आमंत्रित इसमें नहीं कहता, जोड़ दो जोड़ दो, जो पहले अच्छी स्थिति में आओ, क्योंकि फिर पता लगेगा इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा सामूहिकता, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी चीजें रिवील होनी है साधकों के जरिए। यही तो इसकी ब्यूटी है। अगर आप भीड़ बढ़ाओगे और जो एक अपने अंदर से सुलझे हुए नहीं है, या जिनके हाथ में भी जूता चप्पल है शू बीटिंग करने वाला, वो तो इस सेशन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है इस सेशन के लिए। जो ऐसा अभी इस स्थिति में है, जो नाड़ियों के संतुलन में लगे हुए हैं, वो भी ऐसे सेशन के लिए उपयोगी नहीं है। जो भी डिमांड करते रहते हैं इसका बंधन लगवा दो उसका बंधन लगवा दो, वो भी इस योग्य नहीं है कि ऐसे सेशन को अटेंड करें अभी, मतलब उनके लेवल नहीं है अभी इस लेवल पे आने का। ये जो शिमाता जी याचना करते रहते हैं, शिमाता जी हमारे घर में खर्चा नहीं चल रहा, हमारा काम धंधा चलवा दो, हमारी नौकरी लगवा दो, वो भी इस योग्य नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसे सेशन के लिए तो वो है जो इन सबसे परे है, जो कि अपनी आत्मा के साथ जुड़कर उस भीतर की खोज को और निखारना चाहता है, ऐसे सेशन के लिए केवल वही उपयोगी हैं, जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं ट्रू सीकर्स। एक तो होता सीकर, एक होता है ट्रू सीकर, और दूसरी चीज यह है कि जो श्री माता जी का यंत्र बनना चाहते हैं, यंत्र नहीं श्री माँ के मतलब का यंत्र, तो ऐसी सामूहिकता के मतलब के केवल वही लोग होते हैं। आई एम सॉरी टू से, पर ये सत्य है। क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा, और जो ऐसे लोग इसमें जुड़ जाएंगे जिनके साथ जिनके अंदर ये प्रकार की डिमांड मौजूद हैं, तो फिर तो सामूहिकता का लेवल भी डाउन हो जाएगा। इतनी ऊंचे दर्जे की अच्छी अच्छी बातें निकल के नहीं आएंगी, बड़े बड़े रहस्य उजागर होते हैं अच्छी सामूहिकता में। तो ये कारण है, प्राची को भी मैंने बोला था शुरू शुरू में, 2-3 महीने प्राची ने जो है अपना पूरे वीडियो वीडियो आराम से देखे, जब जब इनके अंदर आया कि हाँ भाई मुझे लगा कि हाँ भाई अभी ग्रहण क्षमता अच्छी है, तो फिर मैंने बोला। तो ये आवश्यक है, जो भी संसारिक डिमांड लेके बैठे हैं अपने अंदर, वो ऐसे सेशन उनके लिए बेकार हैं। आप सबसे भी मैं बात कर रहा हूं जो इस YouTube पे देख रहे हैं, कि ऐसे सेशंस के लिए ऐसे लोग बिल्कुल उपयोगी नहीं हैं, या उनके लिए सेशन किसी काम के नहीं हैं जिनके भीतर में संसारिक डिमांड एग्जिस्ट करती हैं, या संसारिक उलझनों में फंसे हैं और उनको अपने तरीके से माइंड वाइंड चला के कुछ जुगाड़ कर करा के बंधन बंधन लगवा के शू बीटिंग करा करू के ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे सेशंस के लिए उनके लिए बेकार हैं। देखो ना कभी कितनी अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं। अब जिसकी बॉडी में जिसका शरीर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसे प्रोटीन खिला के करोगे भी क्या? ज्यादा प्रोटीन खाना उसके लिए घातक हो जाएगा, उसकी किडनी फेल हो सकती है। जिसका मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो
उसको आप प्रोटीन वाली चीजें दे दो तो मुश्किल मुश्किल हो जाएगी। अच्छा फाइबर दे दो तो अच्छा फाइबर भी डाइजेस्ट नहीं होने का उसको। इसी तरीके से यंत्र होते हैं। और सबसे आसान चीज है समझने के लिए, क्या संसारिक स्तर की डिमांड हमारे अंदर मौजूद है कि हम चाहते हैं भगवान जी वाली चीजें करा दो, है प्राची? अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी क्यों मैंने मना किया था शुरू में। हाँ भैया, और सही भी था। मुझे बहुत कुछ मिला उसमें, मतलब सारे ही मिल गया। मतलब अभी बाकी है, मतलब जो छूटा था, मतलब जो रह के भी हमको पता नहीं था कि ऐसा होता है वैसा होता है, जो ज्ञान, मतलब सब सब चीजें मिल गई। नहीं वो छूटा नहीं है, छूटा नहीं है, वो सब चल रहा है। जिनके अंदर इंटेंस डिजायर है, इंटेंस डिजायर ऑफ ग्रोथ, और जो सीकिंग के लिए ही जन्मे हैं, ट्रू सीकिंग के लिए जन्मे हैं, आप उसे अटेंड नहीं भी करेंगे ना, तो वो सारी नो हाउ आपको एनर्जी के फॉर्म में अपने आप मिल जाएगी। ये जो कलेक्टिव चल रही है मान लो, तो उसकी जो जो भी इस कलेक्टिव में एग्जिस्ट करती हैं चीजें, वो एनर्जी फॉर्म में आपके सिस्टम में वैसे ही फीड हो जाएंगी, भले ही आप इसे अटेंड ना करो। अगर आप सुयोग्य पात्र हैं तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती इस बात के लिए। तो छूटा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ छूट गए वीडियो या नहीं देख पाए, ये देखने वाला मैटर ही नहीं है, ये एब्जॉर्ब करने वाला घटनाक्रम है। आप इसे अटेंड नहीं भी करेंगे और आप सुयोग्य हैं, तब भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट, आपका शस्त्रार, इस कलेक्टिव के जो भी निचोड़ है उसको ग्रहण कर लेगा अपने आप बिना अटेंड किए। और ये आपको जब बाद में कई महीने बाद या कुछ दिनों बाद आप अटेंड करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया, आपको फुलफिलमेंट फील होगा, क्योंकि छूटेगा कुछ नहीं टेक्निकली। ऐसे ही महसूस हो रहा है ना प्राची? जब आप जुड़े हो तो लगभग मेरे ख्याल से 87 88 के करीब सेशन हो चुके थे शायद, तब तो आपने 80 ओके। है ना, ऐसे ही जुड़े थे ना, आप कुछ दिन पहले जुड़े हो, लेकिन अब आप हाँ, महसूस कर मतलब रहे हो कि काफी कुछ छूटा नहीं है, ओके। महसूस कर रहे हो ना छूटा नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल फॉर्म में ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे सोलर पैनल होते हैं ना, सोलर पैनल आप लगा दो, अगर सूरज नहीं भी निकल रहा है ना और अल्ट्रा वायलेट एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, तो अल्ट्रा वायलेट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे बिना सूरज के निकले भी। तो ऐसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है, सोलर पैनल की तरह है, अगर कहीं एनर्जी मूव कर रही होगी तो अपना सिस्टम रिसीव कर लेगा, बशर्ते वो कहीं संसार में चिपका हुआ ना हो इंस्ट्रूमेंट। यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कलेक्टिव होगी उसको भी एब्जॉर्ब करेगा बिना अटेंड किए। ये एक मजेदार बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये स्वतः ही होना है, सारा काम अपने आप होना है। जी रमनी बहन, रमनी बहन चली गई क्या? शायद चली गई होंगी। चलो समाप्त करते हैं, हाँ जी भैया। और कुछ रह गया प्रियंका?
म्यूट हो गए? प्रियंका म्यूट है, रम्मी दीदी है नहीं। अच्छा चली गई होंगी। एनीवे समाप्त करें, अब 1 बजे का टाइम हो गया है। 1 बज गया। हाँ ठीक है, आज तो शुरू में इसने इतना तंग करा, बार 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 इसे बार बार बंद हो गया था ये कैमरा, बार बार। पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग हुई होगी, मुझे लग रहा है कोई फाइलें भी लॉस्ट ना हो गई हो। कई बार ऐसे अचानक से बंद होने से लॉस्ट हो जाता है डेटा। अच्छा प्रियंका तो अभी है भाई। अभी आई समाप्त करें, ज्यादा टाइम कर। आज बहुत सारी बातें हो गई, कुछ चीजें रिवील हुई हैं बड़ी ठीक है। इंटरेस्टिंग, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रिवील हुई हैं, है ना। ओके, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। आप जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।